तो भाई लोग, आज हम लोग आया है फिर से एक नया वीडियो लेके। और बहुत दिन बाद हम लोग फिर से वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि इतना दिन अनसीजन था और काम भी नहीं हो रहा था। तो आज का जो हम लोग का जो वीडियो होगा वो डिमापुर टू कोहिमा होगा। और आप लोग को तो पता ही है कि कोहिमा का रोड अभी ब्लॉक है, तो हम लोग 10 माइल का रोड से घूम के जाना पड़ेगा। और उससे पहले रास्ता कैसे है, क्या है, और वो सब आप लोगों सबको बताएंगे। तो यहाँ से हम लोग का JCB अभी आ गया है लोड करने के लिए। और अभी जो है हम लोग का लोडिंग का काम शुरू हो चुका है, कुछ ही देर में लोड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आराम से निकलेंगे यहाँ से। तो रेत जो है नदी से पहले निकल के साइड में रखा हुआ था स्टॉक में, और वो लोड करेगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और उससे पहले अभी JCB से डाल रहा है, तो हमारा भाई जो है वो लेवल कर रहा है अभी। और लेवल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कस्टमर लोग देखेगा तो बोलेगा यहाँ पे कम है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, तो इसीलिए लेवलिंग करना बहुत ज़रूरी है। और ये रोज जो है जितना भी लोड करके ले लो, कोई मैं पहुँचते पहुँचते थोड़ा तो डब ही जाएगा। और कस्टमर लोग भी देख लो, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना लेवल करके लेके जा रहा है। यहाँ से एक इंच भी नीचे नहीं जाएगा, इतना लेवल करके जाएंगे। और रेत है तो अच्छा से बैठेगा भी नहीं। तो अभी थोड़ा सा ही बाकी है, इसको लेवलिंग करके हम लोग यहाँ से निकलेंगे और वीडियो को आगे दिखाएंगे। और यहाँ का जो रोड है आप लोग देखेंगे, देखने से पता चलेगा कितना अच्छा रोड है यहाँ का। और यहाँ पर एक और गाड़ी भी लोड हो रहा है, तो हम लोग अभी निकलेंगे। और बहुत दिन बाद हम लोग कोहिमा जा रहा है, तो पता नहीं कोहिमा का रोड भी कैसे होगा। और नदी का रोड जो है बारिश का मौसम है तो इतना ख़राब है, और पता नहीं 10 माइल का रोड कितना ख़राब होगा, जाके देखना पड़ेगा। बहुत दिन से गया भी नहीं कोहिमा में। और ये जो डांबर है ये आप लोग को पता ही होगा, अगर आप लोग 7 माइल और कोहिमा मणिपुर लाइन में जो लोग घूमते हैं वो लोग को तो पता ही होगा ये किसका डांबर है। ये मेरे दोस्त का है, सनी एक्सप्रेस है, और उसके साथ आज हम लोग निकलेंगे। और यहाँ से पहले सबसे पहले नदी का रास्ता आप लोग को दिखाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और जो लोग भी बोलता है कि इतना ईजी है ड्राइवर लाइफ, वो इतना आसान नहीं होता है। आप लोग देखिए इतना ख़राब रास्ता पार करके जाना पड़ रहा है। और जो लोग डिमापुर से लोकल वाले लोड करता है, खींचता है, वो लोग को पता होगा ये जगह कहाँ से है, हम लोग कहाँ पर है अभी, कहाँ से लोड किया है। अगर आप लोग को पता है तो कॉमेंट में ज़रूर बताइए। तो वीडियो में हम लोग इतना नहीं बोलेंगे, और आप लोग आगे वीडियो देखिए, बहुत मज़ा आएगा। और आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि हम लोग कहाँ पे है, कहाँ से लोड किया है।
और अभी हम लोग सिंह रिजन पहुँच गया है और इधर से रोड लोड करना है। 3 टन रोड यहाँ से लेके जाएंगे और ये है स्केल, यहाँ से मेजरमेंट करके 3 टन लोड हम लोग को गाड़ी में लोड करना है। अभी जो है हम लोग का गाड़ी लोड हो चुका है, हम लोग निकलने वाला है अभी। और आज का लोड कुछ ज़्यादा ही होगा, मतलब रेत जो है पूरा फुल लोड करके ऊपर 3 टन रोड डाला है, ऊपर से लंबा बॉडी है। आज का लोड बहुत ज़्यादा होगा तो हम लोग देखेंगे रास्ते में क्या कंडीशन है, क्या है आप लोग को आगे दिखाएंगे। और अभी हम लोग पाटकाय पहुंच गया है, यहाँ पे बहुत सारा गाड़ी है, करीब 1,500 से भी ज़्यादा गाड़ी है, पूरा लाइन है यहाँ पे। क्योंकि सामने कोहिमा का जो है रोड है वो ब्लॉक है, इसीलिए गाड़ी जाने नहीं दे रहा है। और अभी हम लोग यहाँ पे रुक गया था 1.5 घंटा के लिए, क्योंकि हम लोग को जाने नहीं दे रहा था। तो हम लोग परमिशन मांगा जाने के लिए, वो लोग भी जाओ बोला है, आराम से परमिशन मिला है हम लोग को जाने के लिए। तो यहाँ का जो रोड है आप लोग को दिखाएंगे, ये फोड़ा नहीं लेकिन एक साइड बंद है क्योंकि लैंडस्लाइड होता है जगह जगह पे, आप लोग को पता चल जाएगा सामने जाके रोड की बंद है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, हम लोग का चैनल का 1 लाख पहुंचने वाला है बहुत ही जल्द, और हम लोग आप लोग का सपोर्ट और प्यार की वजह से बहुत जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर कम्प्लीट कर लेंगे। जल्दी से आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद मैं जो है अपना फेस रिवील करूँगा। और जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है वो लोग को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होता तो मेरा चैनल भी इतना आगे नहीं बढ़ता। जो भी है जितना भी है आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं आपको शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। और जो लोग नए देख रहे हो आप लोग भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम लोग इस चैनल में नागालैंड का जो वीडियो है वो हम लोग बनाते रहेंगे आगे जाके भी। और आज का रोड का जो कंडीशन है आप लोग को दिखाएंगे क्या है। और बारिश का मौसम में सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड यहीं पर होता है, और यहाँ पे रोड ब्लॉक नहीं होता क्योंकि यहाँ पे 4 लाइन है, तो एक लाइन क्रॉस होता है, एक साइड का जो है लाइन वो क्रॉस होता है और दूसरा साइड जो है वो चालू रहता है। तो यहाँ पे तो कोई मसला नहीं होता है। और आगे जाके आप लोग को दिखाएंगे क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, आगे का रोड कैसा है, बहुत दिन से गया भी नहीं है कोहिमा। आजकल तो भाड़ा भी नहीं मिलता है क्योंकि पहली बार तो अनसीजन है और ऊपर से रोड भी क्लॉस है, तो 10 माइल से घूम के जाना पड़ेगा। पता नहीं वहाँ का रोड कैसा होगा, कल भी गया था तो कल बारिश नहीं हुआ था तो थोड़ा अच्छा था, लेकिन आज थोड़ा देर पहले बारिश हुआ है वहाँ पे बोल रहा था, तो जाके देखेंगे कैसा है। और आप लोग कोहिमा पहुँचने से पहले आप लोग का वीडियो का मज़ा लीजिए, देखिए इतना अच्छा
व्यू है यहाँ का, पहाड़ी इलाका है। अभी जाके हम लोग घुसने वाला है दसमल का रोड, और ये रोड कैसा है आप लोग को थोड़ा देर में पता चल जाएगा। यहाँ पे आर्मी लोग भी है, हमने पता नहीं किस लिए है, क्यों है पता नहीं है। और ये रोड नहीं पता नहीं क्या है, जो भी है, लेकिन जाना पड़ेगा यहीं से, क्योंकि वो एक नंबर तो बारिश हुआ है, ऊपर से ख़राब रोड, इतना खिचड़ मिचड़ करता है रोड भी जाने से। देखिए आप लोग देख सकते हैं, और आगे जाके पता चल गया ये तो कुछ भी नहीं है, इससे आगे जाने से आप लोग को पता चल जाएगा। जो ट्रक है इसका क्राउन टूट गया है, और इससे पहले जब हम लोग एक ट्रिप पे एक दो दिन पहले आया था
तब भी वो इधर ही था और अभी भी इधर ही है, अभी तक नहीं बनाया, 3-4 दिन हो गया है। और अभी शाम हो रहा है तो कुछ अच्छा से दिखाई नहीं देगा, लेकिन मेरे तरफ से जितना हो सके मैं उतना कोशिश करूँगी कि आप लोग को अच्छा से दिखाने के लिए। और यह देखिए 10 माइल रोड में 14 चक्का ट्रक लेके घुस गया ये बेचारा। अगर ये ट्रक यहाँ से उठ के अगर 10 माइल डाउन जो है वो अगर वो अच्छा से उतर गया ना, तब ना ये उधर जा पाएगा ना इधर आ पाएगा। अच्छा वो यहाँ पे नहीं चल रहा है, वरना अगर ये एक बार नीचे चला गया तो दोबारा कभी ऊपर नहीं आ पाएगा, इसका अनलोड करके ही आना पड़ेगा। इतना ढलान है, ऊपर से बारिश गिर रहा है और वो 14 चक्कर लेके घुस गया इधर। आप लोग सामने देख सकते, रोड इतना ख़राब है। अभी तो इतना अपनी ये थोड़ा प्लानिंग है, अगर उधर जाके अगर 10 माइल का ब्रिज अगर पहुंच गया तब जाके तो ना उधर जा पाएगा ना इधर आ पाएगा। तो इसीलिए आप लोग अगर 10 चक्का है आप लोग का ट्रैक 10 माइल के रूट में, अभी का समय में नहीं आने से सबसे अच्छा डिसीजन होगा। ख़राब है, ऊपर से बारिश गिर रहा है तो एक नंबर गियर लगा गया। हम लोग 1.5 घंटा से नीचे जा रहा है लेकिन अभी तक हम लोग नहीं पहुंचा है 10 माइल का जो ब्रिज है। वो पहुंचने के बाद क्या होगा पता नहीं, अभी तो ढलान ही उतर रहा है ना, उसके बाद अगर ढलान चराई में लग गया तो पता नहीं क्या होगा। और यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, ये इको जाकर उसने मार दिया है। और ये ढलान है ठीक है, यहाँ पे बारिश हो रहा है तो अच्छा से चल भी नहीं पा रहा है। मैं ऊपर से इतना दूर चल के आया हूँ, बहुत मुश्किल हुआ है। और ये ट्रक जो है नीचे से बहुत मुश्किल से ऊपर आ रहा था, तो इको को भी इधर रुकना चाहिए था अभी जो गाड़ी यहाँ पे रुका हुआ है। लेकिन वो लोग तो बस अपना सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता है, तो जाके ठोक दिया है। अभी अल्टो भी जाके इसमें ठोक दिया, देखिए थोड़ा देर रुकने से नहीं ठोकना था लेकिन ये भी जाके ठोक दिया। अभी इसका जुर्माना भरना पड़ेगा। और अभी बारिश का मौसम में जो लोग भी 10 माइल का रोड से आ रहा है तो थोड़ा संभाल जाइए, क्योंकि अभी का मौसम तो ब्रेक भी नहीं खा रहा है और ऊपर से रात ना इतने तो ब्रेक मारने के लिए गाड़ी नहीं रुकता है, तो वो यहाँ पे जो लोग नया आता है गाड़ी चलाने के लिए वो लोग को ये बात ध्यान रखना, इको जाके ट्रक को मार दिया तो ट्रक ड्राइवर इको को फाइन भरा है, सुना है 1500 रुपया उसको लिया है, ऐसा सुना है ये ट्रक ड्राइवर ने बोल रहा था। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए ना, फिर भी अगर आप लोग नए हो यहाँ पे तो आप लोग को ये बात ध्यान रखना पड़े, चाहे गलती आपका हो या उसका हो तो फाइन तो ट्रक ड्राइवर का ही भरना पड़ता है ठीक है। वो बात हमेशा याद रख के गाड़ी चलाना अगर इस रोड पे अगर आप लोग गाड़ी चलाना चाह रहे हैं तो। कुछ लोग कमेंट में बोलेंगे हाँ गलती तो उसका है तो ये ट्रक ड्राइवर क्यों भरेंगे। हम लोग वहाँ पे 1.5 घंटा रुक के वो सब जो है फैसला वो सब सुन के आया है ठीक है। तो आप लोग को अगर जो लोग यहाँ पे है नागालैंड में गाड़ी चलाता है वो लोग को तो पता है यहाँ का नियम कानून, और आप लोग को पता नहीं है तो जो लोग आपका दोस्तों है यहाँ का आप लोग पूछताछ करके पता करके उसके बाद आने से आप लोग के लिए अच्छा होगा।
और जो बात मैंने अभी बोला, अगर आप लोग को ये बात सच लगता है तो कमेंट में बताइए, अगर झूठा लगता है तभी बताइए। अभी हम लोग कोहिमा टाउन में घुस गया है और रात का 11 बज गया है। अगर लैंडस्लाइड नहीं होता तो अब तक तो हम लोग को वापस दीमापुर भी पहुंचना था, लेकिन क्या करेगा, वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया, रास्ता पूरा बंद हुआ है, और इसलिए 10 मिनट से घूम के आया है। तो एक्स्ट्रा फ्यूल भी जला है, उसके ऊपर से टाइम का तो बर्बाद तो गया ही गया है। तो फाइनली हम लोग अपना डेस्टिनेशन में आ चुका है और अभी यहाँ पे अनलोड करेगा। अनलोड करने के बाद यहाँ से हम लोग दीमापुर निकलेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। उम्मीद है आप लोग को ये वाला वीडियो देख के बहुत मज़ा आया होगा, आप लोग देख लिया होगा 10 मील का रोड कैसा है।